अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए, अपने हादसे को कैसे बढ़ाया जाए। आप लोगों के मोबाइल फोन के अंदर जब डेटा बढ़ना शुरू होता है तो आप क्या करते हैं, कुछ डेटा डिलीट करते हैं। अच्छा, कुछ डेटा अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो डेटा किस तरह काम करता है, एक तो हैंग होना शुरू हो जाता है, और अगर हैंग नहीं भी होगा तो ऊपर वाला डेटा आना शुरू होगा, नीचे वाला डेटा खुद बहुत नीचे डिलीट होना शुरू हो जाएगा। हमारा डेटा स्टोर कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा डेटा रैंडम स्टोर होता है, यानी बचपन में जब आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, जब आप अपनी माँ की गोद में सिर्फ 4 महीने के थे, वहां से ये डेटा एंटर होना शुरू, आपका डेटा वहां से एंटर होना शुरू। डेटा कहां से आता है, आपके 5 आवाज से। ये आपका वो डेटा है जो फिर रॉ डेटा जाता है, जो देखा तस्वीर कैप्चर हुई स्टोर, आवाज आई वाइब्रेशन स्टोर, स्मेल आई स्टोर, ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है, जिसको कहते हैं हम रॉ डेटा। जब तक हमारी मस्तिष्क नहीं बनती, जिसके लिए नॉर्मली 7 से 10 साल की एज रिक्वायर होती है, जब हम उस डेटा का मीनिंग देना शुरू करते हैं, यानी जो तस्वीर खींची है ये है क्या, ये प्रोसेस होगी और फिर ये फिर स्टोर हो जाएगी, कि ये ग्लास, ये पानी है, ये ठंडा है, ये खट्टा है, ये स्मेल ये है। अब आपने इसको मीनिंग देनी शुरू, तो आपके पास एक डेटा रॉ भी है, आपके पास कुछ डेटा वो है जो इस डेटा की मीनिंग के साथ भी स्टोर हो रहा है, और ये कंटिन्यूअस अपने मीनिंग्स प्रोग्राम्स बनाता रहेगा, कंटिन्यूअस अपने प्रोग्राम्स बनाता रहेगा। एक पानी कितनी चीजों से लिंक होगा, कुछ रूटीन्स होंगे, आना और जाना ये भी आपका डेटा होगा, अहमद पानी लेकर आओ, ओके अहमद पानी लेकर आओ। अब बच्चा जो है ये 6 साल का, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, अहमद पानी लेकर आओ। इन बच्चों में से किसको पता है कि अहमद कौन है, उस बच्चे को तो नमस्ते जरूर पता है, क्योंकि ये बच्चा वो कितनी दफा सुन चुका है ये नाम, बचपन से ये कंटिन्यूअसली सुन रहा है कि ये मुझे पुकारा जा रहा है। एक चीज आपने बड़ी नोट की है, आप एक जगह रफीर मार्केट में जा रहे हैं, राइट, किसी ने पीछे सवाल लगाया इमरान आप ही क्यों हो, आप कितने सारे होंगे लेकिन आप ही क्यों हो, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे पता है कि ये आपको पुकारा जा रहा है, आपको कनेक्ट किया जा रहा है। तो अहमद ने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि अहमद अपने आप को इतनी बार सुन चुका है कि मेरा नाम अहमद है, और अहमद ने समझ में आ गया। अहमद पानी जब से सुन रहा है तब से माँ के पेट में था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पानी चीज क्या होती है। वो शुरू में क्या कह रहा है, जैसे जब बच्चे बाप 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 उसे सीखे माने पानी मिला, जैसे समझता है बाप 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 को मतलब पानी, लेकिन जब उस मैंने जैसे आपको कहा कि जब ये शरीर डेवलप होना शुरू हुआ और उसने पानी को रजिस्टर किया कि पानी, उसके भाई को कहा ये पानी लेके आओ, पानी नहीं आ रहा, पानी बह रहा है, ये पानी क्यों गिरा दिया, अब उसने रजिस्टर किया कि अच्छा ये जो मम्मा मम्मा मैं पीता हूँ ये पानी, पानी मैंने पहले भी सुना हुआ था, लेकिन क्या हुआ, आप लिंक अटैच हो गया, ये पानी ये भी होगा। फिर जब ये उसकी ये छूने की हिस डेवलप होनी शुरू हुई तो उसको ठंडे और गर्म का पता होना शुरू हुआ, ये ठंडा इसको कहते हैं, गर्म इसको कहते हैं, ये उसने रजिस्टर कर लिया, ये भी डेटा है उसका। अच्छा, अब ये लॉजिक्स वही लेट्स सपोज कहते हैं अहमद पानी लेकर, अब ये उसको ही पता है कि इस एनवायरमेंट में अगर कहा जा रहा है कि अहमद पानी लेकर आओ तो वो
वॉशरूम जाके बाल्टी भर के लेके नहीं आएगा, वो वॉशरूम में से आपके लोटे में पानी नहीं लेके आएगा, वो किचन में से जाके पानी लेके आएगा। अब ये क्या है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये उसने सीखा है, ये उसका डेटा। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे ये पांचों हवास मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहे हैं, कितना डेटा जा रहा हूं। अब मेरी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की और प्रोसेस करने की, ये बड़ी लिमिटेड है, यानी इनफ्लो है मिलियंस, कैपेसिटी है लिमिटेड। कैपेसिटी इसलिए लिमिटेड है, कभी आपने आपको देखो कि आपने बड़े अपडेट होते जा रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं, कंप्यूटर्स मोबाइल फोन्स, हम बाइट से शुरू हुए, बिट से शुरू हुए, राइट। आई वाज द फर्स्ट गोर बैटर्स कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ऑफ पाकिस्तान व्हेन आई केम हियर इन 1990। तो हमने बिट से पढ़ा, फिर हम बाइट पे गए, फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आई, फिर उसके बाद बहुत बड़ी किलोबाइट हो गया, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट हो गया, अभी गीगाबाइट हो गया, फिर अभी टेराबाइट हो गया। फोन के अंदर अब जो है वो टीवी की बातें होनी शुरू हो गई। कभी आपने कभी ये सुना है, फोन हो या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हो, कि आपकी रैम आपके हार्ड डिस्क से बड़ी होती है, कभी सुना? कभी सुने कि यार इस जो है ना वो 64 GB की तो मेरी जो है वो हार्ड डिस्क है और 1 TB के भी गिर रहे हैं, कभी सुना? नहीं सुना। रैम हमेशा छोटी होती है और डेटा स्टोरेज हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि रैम को क्या करना होता है, प्रोसेस, रैम को प्रोसेस करना है। पीछे हार्ड डिस्क आपकी बढ़ती चली जा रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्या हम पॉज तो नहीं दे रहे? जितना डेटा हम डाल रहे हैं अब इंटेंशनली भी, एक तो वो डेटा है ना जो ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन अब क्या है कि हम 2 मिनट भी साइलेंट नहीं बैठ सकते। साइलेंट का मतलब है कि बगैर कुछ किए नहीं बैठ सकते, हम 10 मिनट खाली नहीं बैठ सकते कि हम कुछ प्रोसेस ना करें। हम खाली बेड के ऊपर 25 मिनट बगैर सोए नहीं लेट सकते, हमें कुछ ना कुछ करना है, नहीं करना है कुछ ना कुछ देखना है, मेरी पंखा को क्या हो रहा है, खिड़की को क्या हो रहा है, लाइट को क्या हो रहा है, आवाजें किसके आ रही है, यही है ना। यानी कंटिन्यूसली हमें क्या करना है, आपके पांचों सेंसेस में से एक भी स्टिमुलस मिलने का प्रोसेस करना पड़ेगा, इस सिस्टम को प्रोसेस करना। बहुत से लोग जो अपनी डाइट प्लान के ऊपर काम नहीं कर पाते, उनको कोई आइडिया नहीं है कि यार मैं तो खाली ये कितना सा बिस्किट खाता हूं, इतना सा बिस्किट थोड़ी खा सकता। आपने एक बाल्टी नीचे रख दे या टैंक फिल कर रहे होते, आपने तो मोटर एक ही है ना चलाने का, तो सिस्टम में तो पूरा काम करते हैं, आपने उसमें डाला ही नहीं डाला, सिस्टम चला दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम बेहिसाब डेटा डाल रहे हैं, कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। अब मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक लिमिटेड है, डेटा पर मैं डेटा डाले चले जा रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं डाल रहा हूँ कि वो स्टॉप नहीं हुए, खिड़की की तरह हर वक्त घूम रहे। अगर साइकिल का पहिया स्लो, अगर मैं साइकिल पे लिखू लंब टायर के ऊपर है और साइकिल खड़ी हुई होगी, लंब पढ़ा जाएगा, पहले LOB पढ़ा जाएगा। अगर ये साइकिल को मैं स्टैंड के ऊपर रख के और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहिया घुमाना शुरू करूँ तो फिर भी लव पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर मैं ये फुल स्पीड से मोटर चला दूँ तो ये पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा कंटिन्यूस। और जब वो स्टॉप होगा या स्लो होगा, जो भी नजर आ रहा होगा वही पढ़ा जा रहा होगा। तो हम अपनी मेमोरी के साथ भी यही काम कर रहे हैं कि हम जो अपनी मेमोरी को, लोग कहते हैं मैं भूल जाता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप भूल जाए, इसका मतलब एक चीज ये कि एटलीस्ट सिस्टम तो काम कर रहा है। सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है कि एटलीस्ट मेरा सिस्टम काम कर रहा है, कि डेटा आ रहा है और डेटा जा रहा है और डिलीट हो रहा है, एटलीस्ट सबसे अच्छी ब्लेसिंग ये सिस्टम काम कर रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेमोरी के ऊपर समझने के लिए,
वो ये है कि मैंने अपना लाइफ स्टाइल स्टोरेज का क्या बनाया है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज में जापान सबसे ऊंचा था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जापान इज ऑलवेज ऑन द टॉप। जापान के बच्चे को 7+7 जमा नहीं आता, he needs calculate. उसने क्या किया, अपने आप को ट्रेन किया है कि मुझे मैथ्स किस पे करना है, कैलकुलेटर पे। आप लोगों में से कितने लोगों को अब अपने करीब करीब लोगों का मोबाइल फोन नंबर याद है? कितने नंबर से आते दोनों मोबाइल में? कितने नंबर? कितने याद है? दो। बड़ी हिम्मत करके जवान बहादुर बेटे और बेटी ने हाथ उठा के बताया कि हमें याद है दो, बाकी लोग उनके वालों को दो भी याद, कुछ को तो अपने घर का भी याद, क्योंकि घर में उन्होंने सेव किया हुआ है। अब वो होम लिखेंगे तो दूसरे लिखेंगे, ये स्लाइड के ऊपर आ जाएगा तो पता लग जाएगा, जो भी उन्होंने आइकॉन्स बनाए होंगे उससे पता लग जाएगा। तो जब आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि मुझे याद नहीं करना है, और उसके मैंने बटन बना लिया, या मैंने उसका स्लाइड बना लिया है, या मैंने सर्च बना लिए है, तो जब आपने अपना ये ट्रेन किया अपने आप को मुझे याद नहीं रखना है, तो वो याद क्यों रखेगा? बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ कि मुझे याद नहीं रखना है। और इसलिए मुझे याद नहीं रखना है कि पहले तो 20 साल में फोन ही नहीं होता था, किसी के फोन होगा सबको याद हो जाएगा। अभी तो 2000 का डेटा है, which is almost impossible for you to remember. And there is nothing wrong not to remember 2000 phones, numbers. इसीलिए तो आपके पास capacity है। तो हमने क्या किया है कि हमने store करना शुरू कर दिया कि हम phone पे चले गए। अब आपने reminders भी कहाँ पे लगाने शुरू कर दिए? Phones पे, क्योंकि उसके अंदर एक calendar आता है, उसमें एक alert आता है। इसी तरह आप जीमेल आते हैं, जीमेल का ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जी मुझे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, एक दिन पहले मुझे बता दीजिएगा, ऐसे ही ना। तो जब आपने अपने आप को खुद प्रोग्राम किया है कि मेरा फोन मेरी इस अपॉइंटमेंट से आधे घंटे पहले मुझे ट्रिगर दे देगा, तो मैं क्यों याद रखूं? मैं याद रखूं आई प्रोग्राम माई सेल्फ नॉट टू रिमेम्बर। एंड एज आई सेड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एज़ वेल, लोगों को चेहरे याद रह जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। लोगों को चेहरे याद रह जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, क्योंकि हम जिस वक्त फोकस कर रहे होते हैं, दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्योंकि विजुअल होते हैं, विजुअल डेटा सबसे ज्यादा होता है, तो हम उसके चेहरे के खातों हाल पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, और वो जो बोल रहा होता है वो नहीं सुन रहे। कोई भी डिस्टिंक्ट फीचर उसके बालों का, उसके स्टाइल का, उसके कलर का, उसके चेहरे का वो ज्यादा तवज्जो रजिस्टर कर गया, और जो उसने बोला था नाम वो रजिस्टर नहीं हुआ। इसलिए मुझे चेहरे याद रह गए, मुझे नाम याद नहीं रहा। ये रेपिटेशन को मैं काम करता है, यानी जितनी बार आप उसका नाम दोहराओगे उसको रजिस्टर किया। आप अगर कोई भी नाम किसी शख्स के साथ किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर 5 दफा रिपीट करेंगे तो चांसेस है कि आपका नाम याद रह जाए, लेकिन अगर आप उसकी किसी और दूसरे फीचर के ऊपर इतनी तवज्जो दे रहे हो कि वो फीचर याद रहेगा, उसका चश्मा, उसकी नत, उसके स्टाइल, खवातीन जो क्या पहना हुआ था उसने, क्या लगाया हुआ था उसने, आपकी तवज्जो क्योंकि उस पर ज्यादा थी इसलिए आपको वो चीज उसकी ज्यादा याद रहेगी और आप नाम उसको और इसे नाम याद नहीं होगा। और सर्च करते करते फिर वो पॉपअप होता है, जो भी आप क्यूरी देते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम नीचे हार्ड डिस्क में जाता है और वहां चल रहा होता है।
यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी लिमिटेड है, लेकिन वो सवाल छोड़ता नहीं है, वो पीछे भेज देता है। अब वो कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहा होता है। इसीलिए आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ ऐसा सवाल जो आपको याद नहीं आ रहा, कोई चीज आपको याद नहीं आ रही है और आपको अचानक पॉपअप होती है, कुछ भी काम करते हुए, सिलाई करते हुए, बुकिंग करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, पढ़ते हुए, पीछे की मेमोरी इस तरह काम करती है कि वो उसको सॉल्व लगी होती है, क्योंकि आपने क्यूरी दे दी है उसको, ये कौन है, बताओ 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 बताओ, वो लगाओ लगाओ सारे डेटा सर्च कर रहा है कहाँ 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 पे था, जो उसको मिला उसने आके फेंक दिया, आप तो कह रही ये था जो आप सुन रहे थे, आप कह रहे था वहां याद नहीं आया, अब याद आया, ऐसे ही है ना, वहां याद नहीं आया अब याद आया। तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और हमारा लाइफ स्टाइल वो सेट कर रहा होता है कि हम अपनी चीजें कितनी याद रहेंगी। अगर आपको याद करने की चीजें कम होंगी तो ज्यादा याद रहेंगी, क्वांटिटी कुछ। अगर मेरे गांव में है चार खंभे तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद होंगे कि कौन से खंभे के नीचे क्या है, लेकिन अब इतना स्टिमुलस है कि अगर आपसे कोई डायरेक्शन भी पूछ रहा हो और आपसे पूछ रहा हो कि यार मैं इस बिल्डिंग ऑफिस में आ गया हूं, मैं यहां पर हूं, कहां है, आपको ये नहीं पता कि मेरी बराबर बिल्डिंग का बोर्ड क्या लगा, हालांकि देख कितना रहे हो आप, लेकिन आप इसलिए रजिस्टर नहीं कर रहे हो क्योंकि द अमाउंट इज सो मच। अब वो क्या कर रही है, आपको ओवरलोड 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 कर रही है। तो बहुत सारे लोग जो इस तरह के स्टॉक को बजाते हैं कि बेसब बादाम खा लेंगे तो मेमोरी जो है वो बढ़ जाएगी, और अखरोट खा लेंगे तो जो है वो बढ़ जाएगी, जेब इजाजत दीजिए एक दाल के साथ जरूर खाएंगे, मेमोरी बढ़ाने किसी को इजाजत। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे जिस्म के मसल्स मजबूत होते तो मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल होते। आप अगर सब्जियां खाते हैं, आप फ्रूट खाते हैं, आप मीट खाते हैं, तो क्या मेरे जिस्म के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होते हैं, लाजिम होते हैं? अगर मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ मेरे जिस्म के ऑर्गन्स मजबूत होते हैं, लाजिम होते हैं, लेकिन मेरा मुझे अपना ब्रेन एज अ मसल मजबूत करना है या मुझे जो याददाश्त और स्टोरेज कैपेसिटी, ये तो अलग अलग चीजें हैं। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं कि मुझे अपने इस हाथ से वजन ज्यादा उठाना है, तो बेसिकली मैं किस चीज पे काम कर रहा हूं, अपने मसल पे, मसल पे, जहां मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूं और उस कैपेसिटी को बढ़ा के और उसके अंदर जो मेरी मेमोरी है उसको एक्सपेंड करने की बात करता हूँ, यानी मैं ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कर सकूं। उस ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज के अंदर जब हेल्दी होगा, जब मैं बहुत सारी चीजें डिलीट भी करूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा सवाल आपसे, अपनी याददाश्त पे तवज्जो देते हुए ये बताइए, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक्य जो अभी भी आप सोचे तो आपके लिए नाखुशगवार होगा, अर्लीस्ट मेमोरी आपकी कौन सी है, आज से लेके अपनी पैदाइश तक अपनी याददाश्त पे तवज्जो दीजिए कि कोई एक ऐसा नाखुशगवार वाक्य जो आपकी जिंदगी के अंदर हुआ, जिसको आज आप भी सोचते हैं तो एक मनसी कैफियत में जाते हैं, वो पक्का है, ठीक है? जब हो जाए हाथ उठाइए और जी बेटा, कब का है? जी जी उमर 10 साल। जी बेटा स्कूल उमर बताइए। उमर 10 3 साल। जी 17। उमर 17 साल। पहले हुआ था, ठीक है, 8 साल पहले जी। और कोई आते हैं 10 साल। जी 6 साल। जी 9 साल। 2 साल। जी और कोई 2 साल के ऊपर सब जीत हो रही है, 10 है, 6 है, 2 है, 3 है। जी बेटा 7। 8 साल।
मेरे दादा क्या है कि सिवाय एक आद के यहाँ पे सब 18 से ऊपर के हैं, ऐसे ही जो भी लोग यहाँ पे आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरे दादा की ख्याल ये है कि चंद एक कुछ बच्चे बच्चे छोटे नजर आ रहे हैं तो ऊपर 18 साल से ऊपर की, चलो हाथ उठा के बताओ 18 साल से कम ऊपर कोई नहीं आप इस रीजन में, कोई भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं। और मनफी वाक्य जिसको आज भी हम सोचते हैं तो एक मनफी कैफियत में चले जाते हैं, स्टोर करके संभाल के रखा हुआ है। जब मैं 3 साल का था, जब मैं 6 साल का था, जब मैं 10 साल का था, जब मैं 5 साल का था, ऐसे ही ना ठीक है, मैं संभाल के रखा हुआ उसी कैपेसिटी के अंदर जो मेरे पास है। ना वो डेटा रिसाइकल बिन में गया है, ना वो डेटा डिलीट हुआ है, ना मैंने उस डेटा के ऊपर काम किया है, ना मैं उस डेटा के ऊपर कोई काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो डेटा ट्रिगर होता है, मैं मंथली कैफियत में जाता हूँ, आज भी सोचता हूँ, आज भी आ जाता है। ठीक है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ खसूसियात दी है जो हमारे फिल्टर है, और वो फिल्टर एक फिल्टर है जिसको हम डिलीट कहते हैं, उस फिल्टर को हम कहते हैं कि ये डिलीट हो गया, इसको डिलीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि आप दाएं से बाएं अपनी गर्दन घुमाइए और इस कमरे के अंदर सर्कल के अंदर देखें कि आपको क्या क्या चीजें नजर आई है, एवरीबॉडी को है दाएं से बाएं 180 डिग्री, और अगर इससे पीछे भी जा सकते हैं पीछे वाले को भी देख सकते हैं। बेटा आप आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि क्या देख रहे हो आपने, देखा क्या है? चार चीज आपने बताया, आगे खोलो बेटा आगे खोलो, ओके सारे दोबारा एक दफा आंखें खोलो और इस दफा आपने ये देखना है कि आपने क्या नहीं देखा। दोबारा सर्कल फिर आप मुझे बताइए कि आपने क्या नहीं देखा था, आप दोबारा नहीं देखिए आप बंद करके बताइए, नहीं नहीं अभी बताइए कि नया क्या देखा आपने, और दो चीजें और देखिए, ठीक दो दफा देखने के बाद दोबारा घुमाइए, सब लोग दोबारा घुमाइए, ये सारे साथ ही कर सकते हैं, सिर्फ एक से पूछ रहा हूँ, दोबारा घुमाइए और फिर ये बताइए कि आप फिर और क्या देखेंगे जो आपने नहीं देखा। ठीक है आगे बात कीजिए, बताइए अब आप मजीद क्या देखा, ओके ठीक है ठीक है, फिर गाड़ी रुक गई है 3-4 घंटे, मैं 1 घंटे की एक्सरसाइज कराऊंगा ना फिर भी आप कुछ नहीं देखोगे, 1 घंटे अगर मैं आपको ये एक्सरसाइज कराता हूँ कंटिन्यूअस आप जितनी दफा वापस आओगे फिर एक दफा एक एक नई चीज नजर आएगी। आपने जब पहली दफा ये देखा सारी चीजें देखी थी ना पहले भी देखी, 4 चीजें आपने बताई, बाकी चीजें क्या किया आपने डिलीट की, आपने बाकी सारी चीजें डिलीट की, ये खुद का सिस्टम है, क्योंकि अगर आप ये सारा डेटा स्टोर कर लोगे तो जो चीज आपको अगली देखनी है अगली काम की चीज देखनी है प्रोसेस करनी है वो कैसे देखेंगे, तो हमें ये डिलीशन हमारे लिए हेल्दी है कि हम चीजें देखते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक है हमारा डिलीट फिल्टर है जो कि चलना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे अपने पैरों पे चलते हैं रेंजर है, जो नहीं वहां तो प्यारे वो किसकी गोद में कोई तो फर्क नहीं है ना, मैंने बड़ा सवाल पूछा कि आप में से लोग चलते हैं वो अपने हाथ में, जो हाथ नहीं उठा रहे उसको गोद में ही लाए होंगे, ऐसे ही होगा ऐसे ही
सीधा आलो भाई को बताए कितने लोग चल के हैं, अभी भी कई लोग सोच रहे तो बराबर आज पूछ भी रहे बता मैं कैसे आया चल के आया। ऐसे ही आप लोगों से कितने लोग ऐसे हैं जो पैदा होते के साथ ही चलना शुरू कर दिया, जो पैदा हुए तकलीफ के महाराज देखे और चलना शुरू कर दिया, कोई है ऐसा? बट आप सोच रहे आज का अगर आपकी मेमोरी कम पीछे तक चली जाती है तो मैं सोचू मैं शायद चल पड़ी हूँ। ओके, क्या ये मुमकिन है? सवाल मेरा आपसे, क्या ये मुमकिन है कि जब आपने चलना शुरू किया होगा तो आप गिरे होंगे? क्या ये मुमकिन है? यस और नो? यस। आप ऐसे कितने को याद है कि मैं पहली दफा कहीं गिरा था? क्योंकि अन्ना का ये जो फिल्टर है डिलीट, ये काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपको याद रह जाता कि मैं गिरा हूं तो आप उसका कदम ये दूसरा कदम आप, तो अल्लाह ने आपको ये फिल्टर दिया कि ये जो है इसको डिलीट कर डिलीट, और इस डिलीशन की मेहरबानी से आज आप चल गया है। अगर ये डिलीट नहीं होता इस वक्त आप चल के इस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हो। अब आप ये खुद सोचिए कि दो साल पहले या दो साल की एज में या छह साल की एज में या दस साल की एज में या अठारह साल की एज में एक ऐसा मनफी वाकया जो आज भी अगर मैं वापस लाता हूँ कॉन्शियस और मैं नेगेटिव स्टेट में चला जाता हूँ, क्या उसको याद रखना चाहिए या डिलीट होना चाहिए? उसको डिलीट होना चाहिए। और हमारी मेमोरी इसलिए वीक होती जा रही है क्योंकि हम उसके अंदर वो डेटा रख रहे हैं जिसको डिलीट। रीजन ये है कि जो नेगेटिव स्टेट होती है वो डेटा क्या करता है, कैसे देखा ना? मैंने अभी से पूछा कि आपने क्या देखा, तुमने क्या क्या मुझे ये महसूस हो रहा है पीस, मैंने कहा पीस कहाँ देखा? इसका मतलब ये है कि हम जो भी चीजें देखते हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली फीलिंग मैच होती है। मैं आपको बहुत तसव्वुर करें कि आप एक इंतहाई खूबसूरत लाल गुलाब का फूल देख रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि इस ख्याल के साथ कोई फीलिंग अटैच ना हो? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आम को देखें, कितने लोग हैं जिनको आम की स्मेल और आम के जायके के साथ आया नहीं आया? ऐसे ही है ना? तो अब आप मुझे बताएं कि ओके कितने देखिए अपने आप को एक इंतहाई खूबसूरत घुटनों चलता हुआ मुस्कुराता हुआ बच्चा, इस ख्याल के साथ कोई फीलिंग आई आई है नहीं आई? अगर यही अच्छा, मैं अगर आपको कहूं कि तबाह हाल जंग ज़दा इलाका कश्मीर काबुल यमन फलस्तीन उसके अंदर एक भूखा थर पाकर एक सिसकते हुए बच्चे की तस्वीर देखें, इसके साथ फीलिंग डिफरेंट आई? डिफरेंट आई आइए इस फीलिंग को भी इसी सिस्टम में प्रोसेस करना है, इस तस्वीर को भी इसी सिस्टम में प्रोसेस करना है। ऐसे ही है ना, जहन में रखें आप मोबाइल फोन, तो वो नेगेटिव वाकया जो दो साल चार साल पांच साल छह साल दस साल बीस साल पहले हुआ था उसके डेटा को अगर मैं रखूं और काम नहीं करूं वो जब ट्रिगर होगा तो वो क्या करेगा? वो आपको एक मनफी कैफियत में लेके आएगा। आप जब मनफी कैफियत में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें रजिस्टर ही नहीं होती, आपको मालूम है जोश में होश काम नहीं कर रहा होता तो रजिस्टर नहीं होता। जब मुझे तुम नजर ही नहीं है
आप अक्सर गुफ्तगू के अंदर ही कह रहे थे तुम मुझे चुप तो बैठा होता ना, तुम मुझे रोक देते हो, बोले कि मैंने चार बार कहा था, मैंने तो सुना ही नहीं था। होता है नहीं होता? आपके सामने लोग बैठे हैं, आपको कह रहे हैं चुप हो जाओ रुक जाओ, लेकिन आप रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे, यू कैन नॉट सी। आपको सामने लोग ही नजर नहीं आ रहे, वो बात करने नजर नहीं आ रहे, आपको सुनने में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप उस वक्त एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट में हैं। जब आपके डेटा के अंदर ये नेगेटिव वाक्यात होंगे, आपको उस नेगेटिव इमोशन स्टेट में रखेंगे, अब आपकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब जो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेस फिल्टर है वो भी आप कम होने शुरू होते हैं, वो भी कम होने शुरू होते हैं। ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन, क्या वो मौत से आवाज आ रही है? अभी आके बंद कीजिए, सिर्फ आके बंद कीजिए, सिर्फ आके बंद। एंड नाउ पे अटेंशन कि आप और कौन सी आवाज आ रही है। There are sounds outside, there are sounds inside. There are sounds outside, there are sounds inside. आगे कोई? आप ज्यादा आवाज आ रही? आप ज्यादा डिफरेंट, यानी पहले आपने आगे खुल की आवाजें सुनी थी, और जब आपने आंखें बंद करके सिर्फ समाज के ऊपर तवज्जो दी तो आपको ज्यादा आवाज आनी शुरू होगी। सो द गुड थिंग इज सिस्टम इज वर्किंग, फाइंड ए के सिस्टम इज वर्किंग। काम किस पे करना पड़ेगा? बिहेवियर्स पे, रवैयों पे, बर्ताव पे, अमल पे। ओके, नाउ अगर आपको, जब मैंने जैसे आपको कहा कि नाम याद नहीं रहते, चेहरे याद रह जाते हैं, नाम याद नहीं रहते। ओके, तो पहले एक्सरसाइज करते हैं कि अगर मुझे, एक तो वजह यह है कि हमारी संख्या आपके सुखड़नी शुरू होगी, आपको सबको मालूम है फाइव एंगल एंड नैरो एंगल कैमरा काम करता है, ऐसे ही ना। नैरो एंगल के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी होगी, वाइड एंगल में कितनी होगी, ऐसे ही है ना। जब मैंने इसको ट्रेन कर लिया है तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब कैसे करेगा? तो मैं कंटिन्यूसली इसको ट्रेन कर रहा हूँ, स्क्रीन छोटी होते होते, सुबह अंधेरे के अंदर, ऐसे ही है। आपको सिर्फ पानी मैंने शुरू हो गया देखने लगा हुआ, तो मैंने क्या किया, इसको 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 ट्रेन कर लिया है नैरो विजन के ऊपर, नैरो एंगल के ऊपर। फिर मुझे कभी इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई नहीं देती, भाई तुमने उसको ट्रेन ही कर लिया, यहाँ देखो। पहले मैं यहाँ देखता था, वो आसपास देखता था, लोगों को भी जानता था, अब मैंने क्या कर लिया, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवर्स, यानी मुझे अपनी इस नैरो एंगल से वाइड एंगल की तरफ जाना होगा। इस वाइड एंगल से जाने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी आंखों को वार्म अप करना होगा। स्पेलिंग क्या होती है मैंगो की? ओके, सो जस्ट इमेजिन ऊपर एम ए एन जी ओ लिखा हुआ है, आपके यहाँ पे मेरे सर के ऊपर मैंगो लिखा हुआ, मैंगो एम ए एन जी ओ। ओके, जस्ट से मैंगो एम ए एन जी ओ, मैंगो को ऑपोजिट पढ़ो, लिखा हुआ है ना सामने। ओके, पहले बता लिखा हुआ नजर आ रहा है? गुड, लिखा हुआ नजर आ रहा है? आप पढ़ो उल्टा, वेरी गुड। ऊपर लिखो बड़ा बड़ा पाकिस्तान, पी ए के, भाई आपके खोल के चौड़ी आंखें खोली थी, अंदर से नहीं बाहर से एक्सरसाइज कर रहा, मेरे ऊपर आपने पाकिस्तान बड़ा बड़ा लिखना है। ओके, कलर में लिखना है, अलग अलग कलरों में लिखना है। ओके, अलग अलग कलरों में लिखना है, बड़े बड़े कलर्स में लिखना है, शाइनिंग ब्राइट लिखना है। ओके, लिखे दोबारा पी अपना नाम लिखे।
बड़ा लिख, और बड़ा लिख, उल्टा। ओके गुड, आप खड़े हुई, आप खड़े हुई बेटा, आप खड़े हो जी, आप खड़े हो भाई सर, आप खड़े हुई तीन, आप खड़े हुई चार, पीछे वाले रो में से कोई खड़ा होगा, आप खड़े हुए ठीक है, पांच लोग खड़े हुए, नाम आपका साकिब, साकिब, खुबैर, खुबैर, सॉरी तलीला, फरीला, बरीला, बरीला, वासिम, साथ। ओके जी, अब आपने जो कुछ मुंडियां इनकी तरफ कर ली ताकि आप लोग इनको देख सकें, ठीक है, इनको देख लिया आपने, भैया नाम बताएंगे, साकिब, साकिब, इनके सर पे लिखे बड़ा बड़ा साकिब, सब 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 लिखे, ओके उल्टा पढ़ा, ओके भैया आपका स्पेलिंग ठीक है जी, पढ़े भाई सब, इनके सर पे बड़ा बड़ा लिखिए पहले K H U, इनको देखे बैग मुझे नहीं, इनको देखे P A I B, अब उल्टा पढ़े, जी इनका परिवर्तन B A R E R A, ऐसे जी B A R E R A, उल्टा पढ़े जी सर, आपका वासे, वासे, ओके जी पढ़े जरा, ओके उल्टा, ठीक है आप साथ, S double A D, S A A D, उल्टा पढ़े, अच्छा भाई आप लोग खड़े रहेंगे, ओके वापस चले गड्ढे में, गड्ढे में से भी लोग करें, आप लोग खड़े रहेंगे ठीक है, गड्ढे में स्टिमुलेट करें, ऊपर वाले गड्ढे में स्टिमुलेट करें, साइड वालों को स्टिमुलेट करें, इनसाइड स्टिमुलेट करें, हल्के की चुटकियां काटें कपोटों पे और पलकों पे, ठीक है, हाथों को गर्म करें, वार्म अप करें अपने आप को, गुड, ओके सब इनके तरफ देखने शुरू करें, ओके सब सब सब, इनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, किसी ने करके, थैंक यू सो मच, ये अभी से मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पे 10 15 20 25 सब करा दे सकता हूँ, आपको सबके नाम याद होंगे, आपको इनके सबके नाम याद होंगे, दैट्स हाउ यू ट्रेन, अपने आंखों की एक्सरसाइज शुरू कीजिए, जिसको भी आपको याद रखना है उसके नाम को बड़ा लिखे, उसको रिवर्स स्पेल करें, उसके अंदर कलर डालें, ओके, और उसके बाद उसका नाम, 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 उसका नाम,